विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक दिखा रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे भारत में फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है वो दो राज्य के बीच में चलाई जा रही है दोस्तों, यानी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ये गुजरात के साबरमती से स्टार्ट होगी दोस्तों और ये कनेक्ट करेगी मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका लास्ट स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों गुजरात सेक्शन में इसके काम की बात करूँ तो 40% काम कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें 300 किलोमीटर पेयर वर्क का काम कंप्लीट कर दिया गया है। वहीं पे महाराष्ट्र में इसका सिर्फ 15% काम हो पाया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग उस पॉइंट को देखने वाले हैं जहां से भारत की फर्स्ट बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन होने वाला है। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में इसकी फुल जानकारी दी है कि जो हमारे भारत में फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो दो शहर के बीच में चलाई जा रही है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, और इसका जो ट्रायल रन होने वाला है दोस्तों वो सूरत स्टेशन से और बिलीमोरा स्टेशन तक इसका फर्स्ट ट्रायल रन होगा। 2026 में इसका फाइनली ट्रायल रन होने वाला है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूरत सेक्शन का काम। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाई थी तो मैंने आपको मोबाइल से वीडियो शूट करके दिखाई थी, नीचे का पूरा काम दिखाया था दोस्तों। पिलर सारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, ऊपर लॉन्चिंग मशीन का भी काम कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगा ड्रोन से शूट करके और ऊपर का भी काम दिखाऊँगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रैक स्लैब का भी काम चालू कर दिया गया है, सीमेंटों के ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं दोस्तों और ये अलग टेक्नोलॉजी से इसके ट्रैक स्लैब बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रख रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंटों के ट्रैक बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काम की बात करूँ तो यहाँ पे काम काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो इसका अपडेट दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सूरत में इसका पटरियों का मटेरियल भी आ चुका है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं ये सब पटरियों का मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। आगे है स्टील ब्रिज जो कि NH-53 को क्रॉस करने के लिए दोस्तों उसको बनाया गया है, उसका भी मैं आज आपको इस वीडियो में नज़ारा दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पटरियों का मटेरियल रखा हुआ है। और यहाँ पे काम की बात करूँ तो काम कंप्लीट जैसा होने पे है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो सीमेंटों के ट्रैक स्लैब का काम किया जा रहा है वो काफ़ी जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाएंगे, पटरियाँ बिछाई जाएंगी दोस्तों। फाइनली इसका 2026 में इसका ट्रायल रन होने वाला है।
दोस्तों हमारे भारत में जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है उसके स्पीड की बात करूं तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होने वाली है, जो कि गुजरात के साबरमती से और मुंबई के बीकेसी तक पहुंचने में दोस्तों 2 घंटे से भी कम समय का टाइम लगने वाला है। और सामने आप देख सकते हैं यह है NH-53, जिसको क्रॉसिंग करने के लिए दोस्तों बुलेट ट्रेन का स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं यह है स्टील ब्रिज। और दोस्तों इस स्टील ब्रिज की मैंने पर्सनली वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब इस स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया था तो बिना किसी ट्रैफिक को रोके हुए दोस्तों इस स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया था, वो भी नाइट के टाइम पे इस ब्रिज का निर्माण किया गया था दोस्तों। और इसका 6000 से भी अधिक मैट्रिक टन का इसका वेट है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा बनके कंप्लीट है दोस्तों स्टील ब्रिज। और ये NH-53 हाईवे है जिसको क्रॉसिंग करने के लिए इसका ब्रिज का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।